आज बात करेंगे फ्यूल कंजप्शन, जो कि फ्यूल हम जलाते हैं जब उसको कंजप्शन मतलब जब हम उसको जलाते हैं और वो कंज्यूम होता है, यानी कि वो ख़त्म होना स्टार्ट होता है जैसे जैसे वो जलता जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं फ्यूल के। तो वो कौन कौन से होते हैं और कौन से फ्यूल से होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो, अगर हम कार्बन फ्यूल की बात करें, तो कार्बन फ्यूल की बात करते हैं, जो कार्बन फ्यूल्स हैं, तो कार्बन फ्यूल्स कौन कौन से हैं। तो कार्बन फ्यूल हैं हमारे पास, एक तो हो गया वुड यानी कि जो लकड़ी है, और एक हो गया कोल जिसके अंदर कार्बन के कंटेंट होते हैं, और हो गया हमारे पास जो पेट्रोलियम है जो रिलीज़ करता है अनबर्नड कार्बन। तो पेट्रोलियम भी जो है इनके अंदर क्या होते हैं, कार्बन के कंटेंट होते हैं, और इनको जलाने के बाद जो अनबर्नड कार्बन है वो निकलता है। अब ये अनबर्नड कार्बन जो है काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि जो हमारे जैसे अस्थमा हो गया, जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो होती हैं, और जो एनवायरनमेंट के अंदर ये उसको पोल्यूट भी करती हैं। तो इस तरह के जो फ्यूल्स हैं, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो उनसे अनबर्नड कार्बन निकलते हैं, जिसके कारण काफ़ी, जैसे अगर लकड़ी की बात करें, स्मोक भी पैदा होता है, धुआं भी पैदा होता है। तो इनसे क्या होता है, ह्यूमन बींग को काफ़ी ये हार्मफुल होती हैं, तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक जो अस्थमा है वो हो जाती हैं। और दूसरा, जैसे जैसे आप पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ भी हमारे ख़त्म होते जाते हैं, तो इसको डीफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पेड़ ख़त्म होते जाते हैं, और ये जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसके, जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं। दूसरा, जो इनका इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, इन्हीं का अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हो, इनकम्प्लीट कम्बशन मतलब कि ये पूरी तरह से ना जलें, तो इनकम्प्लीट कम्बशन आप उसको बोलते हैं। इनकम्प्लीट कम्बशन में क्या होता है, मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए कोल का। तो कोल को जब आप जलाते हैं तो इससे क्या होता है, इनका इनकम्प्लीट कम्बशन होने के कारण, यानी कि इनको प्रॉपर अमाउंट में अगर ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, तो इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है काफ़ी पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है, जो काफ़ी डेंजरस होती है। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो ये निकलती है। अगर हम इसको क्लोज्ड रूम में रख दें, जैसे रूम को बंद कर दें और कोल को जला के उसको अंदर रख दें, जैसे हम बात करते हैं कि अंगीठी जलाई का इसकी जो कोल की, और रूम को बंद कर लिया रात को, तो वो क्या कर सकती है, एक पर्सन को इतना वो करवा सकती है, इतना हार्मफुल इफेक्ट उस पर डाल सकती है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये बचना चाहिए इससे, कि हम कभी भी एक जलती हुई अंगीठी को, जो कोल होता है, उसको क्लोज रूम में ना रखें और उस रूम में ना सोएं, ठीक है। तो उसके लिए हमें केयर बरतनी चाहिए। तो देखें कितना खतरनाक होता है अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हो कोल का। इसी तरह से बात करते हैं हम, जो कम्बशन होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाती रहती है, जिससे टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो कि बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, और पिघलने से जो उसके आसपास बसे गांव हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट के कारण होते हैं। तो इसीलिए जो ये हमारे कम्बशन होता है मोस्ट फ्यूल्स का, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये भी काफ़ी हार्मफुल होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें, जो हमारे कोल हैं, डीजल हैं, तो ये क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी लिब्रेट करते हैं, जो कोल है और जो डीजल है। तो इनसे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो हमारी इस तरह की गैस है कि ये काफ़ी कोरोसिव गैस होती है, इसको हम कोरोसिव गैस बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। तो कोरोसिव गैस होने के कारण जो है ये एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, और चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। और जो हमारे पेट्रोल इंजन हैं उनसे भी क्या निकलते हैं, जो उनसे हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें जो हम यूज़ करते हैं, तो इनसे क्या निकलते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं।
अब ये देखिए, जो हमारे सल्फर के ऑक्साइड हैं और जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये दोनों जो मिलते हैं, ये मिलकर ये रेन वाटर के अंदर से ऊपर से आते हैं जब एनवायरनमेंट में होते हैं, और जब बारिश आती है तो उसके साथ मिलकर आते हैं, तो उससे क्या होता है, रेन वाटर के अंदर अच्छी तरह से घुल जाते हैं और एसिड रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। तो ये जो एसिड रेन होती है काफ़ी हार्मफुल होती है बिल्डिंग्स के लिए, ये फसल जो हमारे फसल होती हैं फसलों के लिए, और जो हमारी मिट्टी होती है उसके लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होती है। तो इसी तरह, इसीलिए जो डीजल और जो पेट्रोल है उनको रिप्लेस किया जा रहा है सीएनजी के साथ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के साथ, क्योंकि ये काफ़ी क्लीनर फ्यूल होता है और काफ़ी कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट को ये प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा जो फ्यूल कंजप्शन के कारण जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनको हमने पढ़ा, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, अनबर्न्ड कार्बन निकलते हैं जो कि अस्थमा की प्रॉब्लम ले आते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एक पॉइजनस गैस को लिबरेट करता है जिससे किसी पर्सन की डेथ तक हो सकती है। इसी तरह से CO2 क्या है, टेम्परेचर राइज करती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। और अगर जो कोल, डीजल और पेट्रोल के कारण ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन और जो हमारे सल्फर के हैं, इनसे जो है एसिड रेन होती है जब ये बारिश के साथ मिलते हैं, और बिल्डिंग्स को, क्रॉप्स को, सोयल को ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये हमारे होते हैं फ्यूल कंजप्शन और उनसे कुछ हार्मफुल इफेक्ट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।